इस वीडियो में हम इमेज फाइल फॉर्मेट के बारे में जानेंगे तो इमेज फॉर्मेट्स ब्रिंग डिफरेंट वेज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिलीवरिंग एंड इमेज विथ इन रिड्यूज फाइल साइज एंड मिनिमम डाउनलोड टाइम तो इसमें जो होता है इमेज फाइल फॉर्मेट में वो साइज़ को कम करने या डाउनलोड को न्यूनतम समय के साथ एक इमेज को कम करने की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न तरीका लगाता है वो इमेज फाइल फॉर्मेट में ये सब कर देता है इमेज फाइल फॉर्मेट का ही फंक्शन वो तरीका लगा देता है कम करने के लिए इमेज फाइल फॉर्मेट्स आर स्टैंडर्डाइज मींस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डिजिटल इमेज इमेज फाइल फॉर्मेट जो होता है डिजिटल इमेज को व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने एम स्टोर संग्रहित करने का मानक साधन होता है इमेज फाइल्स आर कंपोज ऑफ डिजिटल डाटा इन वन ऑफ दीज फॉर्मेट्स दैट कैन बी रास्टराइज फॉर यूज ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले और प्रिंटर इमेज फाइल किसी एक फॉर्मेट में डिजिटल डाटा से बनी होती है जिन्हें कंप्यूटर डिस्प्ले या प्रिंटर पर उपयोग के लिए रास्टराइज किया जाता है इन इमेज फाइल फॉर्मेट में स्टोर डाटा इन अनकम्प्रेस्ड कंप्रेस और भैक्टर फॉर्मेट इमेज फाइल फॉर्मेट जो होता है वो स्टोर करता है डाटा को कंप्रेस्ड डाटा को अनकम्प्रेस्ड डाटा को या भैक्टर फॉर्मेट के रूप में इज वंस राष्ट्राइज एक बार राष्ट्रराइज कर दिया गया अगर एक बार राष्ट्रराइज हो जाने पर एन इमेज बिकम्स अ ग्रीड ऑफ पिक्सल इमेज जो होता है राष्ट्रराइज हो जाने पे इमेज पिक्सल का एक ग्रिड बन जाता है इच ऑफ बीच हैज अ नंबर ऑफ बीट्स टू डिजाइनेट इट्स कलर इक्वल टू द कलर डेप्थ ऑफ़ द डिवाइस डिस्प्लेंग इट जिनमें से प्रत्येक में से इसके रंग को दर्शाने वाले डिवाइस की रंग गहराई के बराबर निर्दिष्ट डिजाइन या दिशा देती है निर्दिष्ट करने के लिए कई बिट्स होते हैं इसके अंदर अब टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेट तो जी आई एफ जे पी ई जी पी एन जी तो सबसे पहले देखेंगे जी आई एफ को जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं या इमेज फाइल जितना फाइल फॉर्मेट हो वो बी वी आई रहता है वो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है कोई ना कोई एक बार पूछ देगा या उससे ऑब्जेक्टिव हो या चार नंबर वाले हो या छः नंबर वाले हो तो जी आई एफ का पूरा नाम ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट होता है यूज लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक या लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक को यूज करता है अब लॉसलेस क्या होता है तो जो फाइल को भेजते समय अपना एम बी का यानी उसका जगह का स्पेस कम नहीं करता है उसका छीन नहीं होता है अब इसके बारे में डिटेल से मैं बता दूंगा इसी चैप्टर में है तो बस इतना समझ लीजिए सपोर्ट्स एट बिट कलर यह एट बिट कलर को सपोर्ट करता है सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर यह सभी ब्राउजर पर सपोर्ट हो जाता है सभी ब्राउजर पर ओपन हो जाता है सुइटेबल फॉर टेक्स्ट आर्ट वर्क आइकन्स एंड कार्टून यह सुइटेबल होता है टेक्स्ट के लिए आर्ट वर्क के लिए आइकन्स के लिए एंड कार्टून के लिए लार्ज फाइल साइज इसका फाइल साइज लार्ज होता है और इसका एक्सटेंशन जो होता है डॉट जी होता है ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में अब नेक्स्ट है जे पी ई जी स्टैंड फॉर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इसका पूरा नाम जो होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ मैं बेल रखा हूँ कि पहले ही ऑब्जेक्टिव और फुल में दोनों में पूछ सकता है सब्जेक्टिव में भी यूज लोसिक कंप्रेशन टेक्निक लोसिक कंप्रेशन टेक्निक का यूज करता है सपोज ट्वेंटी बिट कलर ये ट्वेंटी फोर विट कलर को सपोर्ट करता है और ऑल ब्राउजर पे यह भी रन होता है यानी ऑल ब्राउजर पे इसे ओपन कर सकते हैं सुटेबल फॉर फोटोग्राफ्स फोटोग्राफ्स के लिए सूटेबल होता है ये स्मॉलर फाइल साइज़ एज कंपेयर टू जी इसका जो फाइल साइज होता है वो जी आई एफ का अपेक्षा कम होता है अब इसका एक्सटेंशन डॉट जे या डॉट जे होता है नेक्स्ट है पी जिसका पूरा नाम पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है यूज लोसी कंप्रेशन टेक्निक विच सपोर्ट ट्वेंटी फोर बिट्स कलर बट नॉट सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर यह ट्वेंटी फोर बिट को सपोर्ट करता है कलर को लेकिन सभी ब्राउजर पर यह ओपन नहीं हो सकता है सुटेबल फॉर टेक्स्ट आइकन्स और ई टेक्स्ट e और आइकन्स में सुटेबल होता है स्मॉलर फाइल साइज एज कम्पेयर टू जी आई एफ एंड जे पी ई जी यह सबसे छोटा इसका फाइल साइज होता है अपेक्षा जी आई एफ और जे पी ई जी का इसका एक्सटेंशन जो होता है फाइल एक्सटेंशन वो होता है डॉट पी एन जी अब बता देता हूँ तीनों में अंतर भी पूछ सकता है या किसी दो अंतर पूछ सकता है या जे पी जी आई एफ और आर टी एफ में अंतर पूछ सकता है ऐसा करके परीक्षा में पूछेगा आपको तो जैसा पूछेगा आप अपने ढंग से लिख सकते हैं या ये नोट्स भी याद कर सकते हैं ये सही आप पॉइंट बाय बना सकते हैं वो आपका दिमाग खुद परीक्षा में काम करने लगेगा नहीं लगेगा तो मैं टिप्स दे दूँगा फ्री का ज्ञान मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पे फॉलो कर लो और मैं इस बात कर सकते हो तब तक लिए बाय बाय